रणदीप हुड्डा मिले नीरज चोपड़ा से। आखिर कैसी रही उनकी मुलाकात, क्या कहा रणदीप ने नीरज से मिलकर। चलिए जानते हैं पूरी खबर डिटेल में। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जैसे कि हाल ही में रणदीप जो है मिले हैं नीरज चोपड़ा से, जिन्होंने टोक्यो 2022 में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, जहां नीरज चोपड़ा इसके बाद से ही सुर्खियों में हैं, कई सारे सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, और इसी के साथ इन दिनों जो नीरज हैं वो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, काफी ज्यादा लाइमलाइट में हैं, और फैंस हैं जो नीरज की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। और इसी बीच रणदीप हैं जो हाल ही में नीरज चोपड़ा से मिले, और इस बात की जानकारी रणदीप ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है, जहां उन्होंने नीरज के साथ एक पिक्चर को शेयर की है। दोनों साथ में सेम पोज देते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ट्वीट करते के साथ ये भी लिखा कि टॉप पर जाने के बाद क्या होता है। इन सवालों का जवाब बहुत कम लोगों के पास होता है और बहुत कम लोग इन सवालों का जवाब दे पाते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वेल, यहां पर नीरज चोपड़ा को टैग करते हुए नजर आए, और इसी के साथ जब ये पिक्चर शेयर की, फैंस हैं जो काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आए, और इसी के साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि नीरज चोपड़ा की बायोपिक बने तो रणदीप हुड्डा को ही चॉइस किया जाए, वही इस बायोपिक में नजर आए। आपको बता दें कि दोनों ही हरियाणा से हैं और दोनों की मुलाकात तो बनती ही थी। खैर, क्या कहना है रणदीप पर आपको, अगर वो नीरज चोपड़ा की बायोपिक में नजर आते हैं तो। खैर, बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।